नमस्कार प्यारे बच्चों, एडवला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 28 मैथमेटिक्स क्लासिक्स प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम लोग करेंगे बच्चे, जिसमें टॉपिक है हमारा सर्कल। सर्कल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? मेन पार्ट होते हैं सेंटर, रेडियस, डायमीटर। सेंटर क्या होता है? देखिए, कोई भी एक पॉइंट है जिससे सर्कल पे जितने पॉइंट होंगे, मतलब सेंटर सर्कल के अंदर वो पॉइंट है जिससे सर्कल पे जितने पॉइंट है उसकी डिस्टेंस बराबर होगी। तो मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है सर्कल पे, इसकी डिस्टेंस सेम होगी। ये डिस्टेंस जैसे चूड़ी में धागा पिरो रहा है ना, बीच में सेंटर है ये, तो सारे डिस्टेंस देखिए बराबर है ना, तो ये सारी सारी डिस्टेंस रेडियस कहलाएंगी। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। और पॉइंट क्यू देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, यहाँ पे क्यू को सेंटर माना गया है और R R जो है वृत्त पे कोई पॉइंट है और ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस बना है। तो रेडियस क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। रेडियस वो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से सर्कल पे कोई पॉइंट को जोड़ता है, ठीक है। विच कनेक्ट सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, क्यू आर इज रेडियस। ए बी भी, क्यू बी भी रेडियस हो सकता है, क्यू ए भी रेडियस हो सकता है, ठीक है। तो डायमीटर क्या है, चलिए हम देखते हैं डायमीटर भी क्या होता है। डायमीटर देख रहे हैं कि एक रेडियस इधर जा रहा है, एक रेडियस इधर है, दोनों सीधे हैं, ठीक है। यानी अगर हम ये कहें कि एक पॉइंट सर्कल का और दूसरा पॉइंट सर्कल का सर्कल के ऊपर है, दोनों एक दूसरे को जोड़ने वाली लाइन है जो कि सेंटर से होती हुई जा रही है, तो वो कहलाएगी डायमीटर। क्या ये डायमीटर है? नहीं, ये डायमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट को तो जोड़ रही है लेकिन ये सेंटर से होके नहीं जा रही, तो दिस इज नॉट डायमीटर। डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होता है, वो लाइन सेगमेंट है विच कनेक्ट टू पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ता है, जो सर्कल पे हो, सर्कल के अंदर और बाहर नहीं, और पास थ्रो सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से होके जाता है। और ये डबल होता है रेडियस का, देखिए ये रेडियस रेडियस दो बार रेडियस एक डायमीटर के बराबर हुए, तो डायमीटर इज ट्वाइस रेडियस। क्लियर हो गया? तो चलिए कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कंपस की मदद से सर्कल बनाना है। पहला एग्जाम्पल है ड्रॉ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। हम क्या करेंगे, एक कंपास को ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0 से 5 सेंटीमीटर ध्यान देना है स्केल पे। और हम फिर एक पॉइंट बनाएंगे शार्प पेंसिल को पहले कंपास में लगा लेंगे, फिर शार्प पेंसिल से एक पॉइंट बनाएंगे जिसको नाम दे दिया हमने ओ, ठीक है, नेम इट ओ। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंटर पे कंपास को रखेंगे ओ पे, ठीक है, और स्लोली राउंड घुमा देंगे। तो जैसे घुमा देंगे, घूमे रहे ना, तो ये एक सर्कल बन जाएगा, बस। नाउ एग्जांपल टू, ठीक, वैसे एक सर्कल बनाना है, 4.5 सेंटीमीटर खोलना है कंपास को। तो सबसे पहले ये करेंगे, ड्रॉ करेंगे सर्कल 4.5 का, जैसे ऊपर बताया था ना, क्या किया था, सबसे पहले कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोलना है, दिस इज रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद एक सेंटर सी पॉइंट कर देना है और फिर प्रकार को स्लोली घुमाना है और ये आपका सर्कल बन जाएगा, बन गया ना। उसके बाद क्या कह रहा है, मार्क करने पॉइंट पी क्यू आर को, पी लाइज इन द इंटीरियर पॉइंट, सर्कल के अंदर होना चाहिए पी, तो कहीं भी सर्कल के अंदर पी को हम डिनोट कर सकते हैं। क्यू सर्कल पे हो, सर्कल पे कहीं भी क्यू दिखा सकते हैं, यहां सर्कल के ऊपर होना चाहिए, लेकिन रेडियस जो आर है वो आर जो है सर्कल के बाहर होना चाहिए, तो दिस इज आर, क्लियर है। तो ये सब लिखना है, ये स्टेप्स हो गए, मतलब एग्जाम्पल वन के स्टेप तो लिखने हैं, इलस्ट्रेशन के साथ में इसको भी ऐड कर देना है। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आपको कंपास खोलना है, एग्जाम्पल वन के स्टेप्स आएंगे। तो सबसे पहले कंपास को ओपन कीजिए, तो हम ओपन करेंगे कंपास को 3 सेंटीमीटर का और फिर एक पॉइंट करेंगे सेंटर को और स्लोली इसको ड्रॉ कर देंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। एक सेंटर को डिनोट करेंगे ओ को और यहां से सीधा ये देखिए इसको घुमा देंगे, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारा रेडियस ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ठीक से बना देते हैं, ये बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, ये ओ हो गया। तो ये कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का। स्टेप्स जो है, स्टेप्स एग्जाम्पल वन है, वही सारे स्टेप्स लिखने हैं बस। यहाँ पे रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया, ये चेंज है इसके अंदर। एग्जाम्पल टू क्या है, देखिए सेंटर सेम रखना है लेकिन दो सर्कल बनाने हैं 3 और 5.5 के। हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का बनाएंगे,
सेंटर सेम रखेंगे ओ। चलिए बना लेते हैं, बना लिया, बन गया। ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल है। अब 5.5 वही प्रकार को कंपास को खोलिए 5.5 और सर्कल बनाइए, बड़ा सर्कल। बन गया, ये तो मैंने ऐसे बनाए हैं। आप लोग कंपास की मदद से बनाएंगे, सबसे पहले तो प्रकार को खोलेंगे 3 सेंटीमीटर और एक पॉइंट लेंगे ओ, यहाँ ओ हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है। और ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, 3 सेंटीमीटर। फिर इसी सेंटर से हमें अगला सर्कल बनाना है, 5.5 खोलेंगे, वो 5.5 ये है। तो इस टाइप के सर्कल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। स्टेप्स क्या लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ध्यान देना है। स्टेप्स क्या लिखने हैं, स्टेप्स सेम वही होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि ओपन कंपास ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम सेंटर ओ। सेकंड क्या लिखेंगे, फिर वो ये लिखेंगे ओपन कंपास ऑफ 5.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अनदर सर्कल फ्रॉम सेम सेंटर ओ, ठीक है। बस और बता देंगे कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। और स्टेप्स बढ़ाने हैं तो आप एग्जाम्पल 1 से स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। नाउ ड्रॉ एनी सर्कल, मतलब कितने भी साइज का आप सर्कल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी साइज का सर्कल बनाइए, मतलब 3 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, हमने सर्कल बना लिया। क्वेश्चन नंबर 3, हमने ये सर्कल बना लिया, इसका ये सेंटर ओ है। अब ये कितना भी सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, मार्क करना एक्स वाई जेड पॉइंट। एक्स सर्कल पे होना चाहिए, वाई इंटीरियर और जेड एक्सटीरियर। एक्स सर्कल पे होना चाहिए, ध्यान देना है आपको। एक्स जो है सर्कल पे कहीं भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने यहां ले लिया, और वाई कहीं भी ले लीजिए, यहां लेते हैं इंटीरियर पे, और जेड एक्सटीरियर पे। दिस इज एक्सटीरियर पॉइंट, दिस इज ऑन द सर्कल, और ये इंटीरियर पॉइंट है। क्लियर है, है ना। एक्स वाई जेड फिर पढ़ लीजिए इसको। एक्स देखिए क्या है, सर्कल पे है, लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स इज ऑन द सर्कल, वाई इज इन इंटीरियर एंड जेड इज एक्सटीरियर पॉइंट पे। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब क्वेश्चन में कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के कितने सेंटर होते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। अगर आपने वीडियो देखी हुई तो आप जरूर कमेंट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।